मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा लीक होने के बाद आज फिर से एक बार पूर्ण परीक्षा शुरू कर दी गई है। यह परीक्षा 2023, 2024, 2025 व 30 31 तारीख तक दो पोलियों में चलेगी और परीक्षा भर्ती को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मुजफ्फरनगर में परीक्षा के 16 केंद्र बनाए गए जिसकी सुरक्षा में 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए। साथ ही SSP और SCCOCT और SDM परीक्षा केंद्र में चेकिंग लगाए गए हैं और अभ्यर्थियों को अथली लेयर चेकिंग के बाद ही परीक्षा में सम्मिलित किया जा रहा। युवक और युवतियों के जूते तक निकलवाकर चेकिंग की जा रही है। परीक्षा चल रही है, उसको लेकर सुरक्षा किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और कितने परीक्षा केंद्र? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज सुबह से जो यूपी पुलिस एवं भर्ती बोर्ड के द्वारा कराई जाने वाली जो यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम है वो आज सुबह शुरू हो रही है। हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में कुल 16 सेंटर बनाए गए हैं और यहाँ पे 16 सेंटर्स पे 480 से लेके 720 कैंडिडेट्स तक जो है ना वेरिएशन में अलग अलग वहाँ पे एक प्रत्येक पाली में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं। इसमें सुरक्षा के जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसकी तैयारी लगभग पिछले एक महीने से चल रही थी और सारे सेंटर्स जो हैं वहाँ सारे सेंटर्स पर प्रत्येक कक्ष वहाँ जो है वो CCTV से आच्छादित किया गया है जहाँ पे परीक्षा होनी है। इसके अलावा प्रत्येक सेंटर पे स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है और जो कैंडिडेट्स जो आ रहे हैं उनकी सहायता के लिए और उनकी सहायतार्थ जो है एक क्लॉक रूम भी बनाया गया है। ये व्यवस्था प्रत्येक सेंटर पे की गई है। उसके अलावा जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उन सबका आधार वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है जिसको बायोमेट्रिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें सभी कैंडिडेट्स का जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन सुचारू रूप से किया जा रहा है। अभी वर्तमान में जब लगभग 9:15 का टाइम हो रहा है तो लगभग 80% कैंडिडेट्स जो हैं सेंटर्स पे आ चुके हैं और उनकी एंट्री हो गई है। पूरे 16 सेंटर्स पे सभी अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर लिया गया है, कहीं पे भी किसी प्रकार की अभी तक कोई समस्या नहीं आई है और जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पे लगातार जो है वो कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने के बाद उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। सर, लगभग कितने पुलिसकर्मी सेंटरों पर लगाए गए हैं जो सुरक्षा में लगाए? इसमें प्रत्येक सेंटर पे जो है वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के हिसाब से कम ज़्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। इसमें हर सेंटर पे एक सेक्टर पुलिस ऑफिसर लगाया गया है और एक स्टैटिक पुलिस ऑफिसर लगाया गया है। इसमें इसके अतिरिक्त जो है सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल्स का लगभग हर सेंटर पे 25 से 30 आदमी प्रत्येक सेंटर पे लगाए गए हैं।